कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो अपुल कर्ज तो है ना बिड़ू। तो एपिसोड 7 की सूरत वही से होती है जहाँ पे शिवा की एंट्री हुई थी और वहाँ पे माता पार्वती भी होती है। वो कहते हैं आप ही जीतोगे और काली माँ कहती है मेरा भाग्य तुम्हारे साथ है लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड गणेशा बहुत जोर से चिल्लाता है पापा आप ये कर सकते हो। फिर शिवा बोलते हैं मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। तभी वो सामने दिखते हैं एक मेंढक वहाँ पे एक टोकरी लेके खड़ा होता है। वो मेंढक शिवा को देख के डर जाता है। शिवा कहता है ये क्या है। वो मेंढक कहता है सॉरी मैं थोड़ी देर में यहाँ से चले जाऊंगा। राइडन उस टोकरी में से सैंड निकालता है तभी वो मेंढक वहाँ से भूसुक से भाग जाता है। शिवा कहते हैं ओ तो तुम सुमो सेरेमनी कर रहे हो क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए। राइडन पूरी सैंड अखाड़े में गिरा देता है। सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। राइडन तुम जापान के सबसे ताकतवर इंसान हो। और फिर वो दोनों हाथों को आपस में टकराता है तो पूरी जगह कोहरा ही कोहरा छा जाता है। शिवा कहते हैं बहुत बढ़िया। राइडन कहता है सॉरी अगर मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया होगा तो। शिवा कहते हैं कोई बात नहीं आ जाओ। राइडन कहता है अब तैयार हो जाओ। राइडन बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता है और शिवा के चेहरे पे बहुत ही जोरदार लात मारता है। कमेंटेटर कहता है पांचवी मैच का सबसे पहला मूव इतिहास के सबसे ताकतवर रेसलर ने किया है और कहने की जरूरत नहीं उसको 48 बेसिक टेक्निक्स आती है तो उसने सबसे पहले ड्रॉप किक से स्टार्ट किया है। शिवा उस किक के फोर्स से बहुत ही दूर जाके गिरता है। हेरमेस ये देख के कहता है इस इंसान के साथ लड़ाई में शिवा बहुत ताकतवर है। तभी वहां पे एरिस आता है तो हेरमेस उससे कहता है तुम्हारा रोना अभी क्या बंद हो गया। एरिस कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा था। तभी सीन शिवा पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो गिर के खड़ा हो जाता है और कहता है ये केक बहुत ही बढ़िया थी। और तभी राइडन उसके ओर भागते हुए आता है और जोरदार मुक्का मारने जाता है पर शिवा उसे रोक लेता है और वो अपने दूसरे हाथ से शिवा को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। शिवा कहता है ये क्या था। राइडन शिवा का मुंह पकड़ लेता है और कहता है चलो अभी इसे खत्म करें और बहुत ही जोरदार लात मारने जाता है पर शिवा उसे रोक देता है और कहता है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और अपने तीसरे और चौथे हाथ से उसके छाती पे जोरदार मुक्का मारता है और उसे उठा के पीछे तरफ फेंक देता है पर राइडन बच के खड़े हो जाता है और कहता है मुझे लगा था अभी ये सब खत्म हो जाएगा। शिवा भी कहता है मुझे भी ऐसे ही लगा था। तुम बहुत अच्छे हो और तुमने जो अपनी लड़ाई में काम किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। राइडन उससे कहता है तुम इतने दर्द में इतने खुश कैसे हो। कमेंटेटर कहता है गॉड्स और ह्यूमंस के बीच मार्शल आर्ट्स भी कर सकते हैं। रैग्नारॉक में सब कुछ जायज है। और ऑडियंस में बैठा एक आदमी इन दोनों की ड्रॉइंग बना रहा होता है और वो कहता है मुझे और मूव्स दिखाओ। शिवा कहता है ठीक है चलो अभी मरने तक लड़ाई करते हैं ताकि हर लोग इस लड़ाई को एंजॉय कर सके। राइडन कहता है क्यों मैं इस जगह को बहुत ही पसंद करता हूँ। शिवा कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि क्यों तुम इस जगह को बहुत पसंद करते हो। क्योंकि तुम्हें लोग इस जगह पे लड़ते हुआ देखना चाहते हैं इसलिए तुम इस जगह को पसंद करते हो। राइडन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो तो चलो इस जगह को नरम होने से पहले इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और फिर हमें रेडन का पास दिखाया जाता है। वो एक इनह्यूमन के रूप में जन्मा था। एक दिन जनवरी 1767 में वो सियानाना प्रोविंस नाम के जगह के छोटे से घर में पैदा हुआ था। वो 3 साल का हो गया था पर खुद से खड़ा नहीं हो पाता था। वो 1 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट करता था। उसके फादर ये देख के कहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। फिर हम उसके मॉम को देखते हैं। वो उसे उसके असली नाम से पुकारते हैं तारा कोची मैं गॉड से प्रे करती हूँ तुम जल्दी से जल्दी बड़े हो हेल्दी और स्ट्रांग बनो। और फिर अगले दिन तारा कोची के मॉम और डैड उसको पुकारते और बोलते हैं तारा कोची तुम्हें भूख लगी है तुम आओ और जल्दी से खा लो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये देख के तारा कोची खड़ा हो जाता है और उसके मॉम और डैड ये देख के रोने लगते है। वो कहते है सब बस बेटा तुम कर सकते हो तारा कोची। वो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसकी सारी हड्डियां टूटने लगती है। वो अधमरे जैसा हो जाता है उसके दांत टूट जाते हैं उसका शरीर पूरा लाल हो जाता है। तो जब तारा कोची
पहली बार अपने पैरों पे खड़ा हुआ था तो उसके दोनों पैर, उसके दोनों हाथ और उसकी पसलियां टूट गई थी। इसलिए नहीं कि उसकी हड्डियां कमजोर थी, उसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उन्होंने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी अपनी मांसपेशियां उसे कुचल कर मार देंगी। फिर हमें समझ आता है कि कैसे ताराकोची का भाग्य बदला। इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रख रही थी और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ताराकोची अपने मसल्स को संभाल पा रहा था और उसके शरीर में कई सारे सेल्स मसल के रूप में प्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे कि 100 लोगों की ताकत एक में। और वापस से सीन फाइट में शिफ्ट होता है। राइडन अपने ही मसल्स को खुद से ग्रो करने लगता है और तभी उसका शरीर फूलने लगता है। लोग ये देख के कहते हैं, ये क्या कर रहा है। कोल भी कहती है, राइडन अपने ही शरीर को तबाह करने वाला है। और शिवा भी कहता है, अरे यार तुम खुद ही को खुद से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। राइडन भी शिवा को कहता है, तुम बस देखते रहो, और जोर से थ्रोड को आवाज देता है। फिर थ्रोड उसके सारे मसल्स को सेट करती है और अंदर एक न्यू पावर डालती है। ये सब देख के ब्रुएल्डा कहती है, अब राइडन की मसल्स पूरे कंट्रोल में है, अब वो उसे नहीं मार सकती। वेलकरी ने राइडन को इतिहास का सबसे ताकतवर सुमो रेसलर बना दिया है। फिर वो कहती है, राइडन की मसल्स असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रही है और अब वो अपने ही मसल्स को खुद से कंट्रोल कर सकता है। गोल ये सुनकर कहती है, एक सेकंड रुको, इसका मतलब राइडन इतिहास का सबसे ताकतवर सुमो रेसलर है, उसने अपनी पूरी शक्तियां कंट्रोल कर रही है। फिर ब्रुएल्डा कहती है, पर अभी सबसे ज्यादा शुक्रिया हमें वेलकरी का करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से राइडन अपनी पूरी पावर यूज कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक इंसान जिसके पास इतिहास की सबसे ज्यादा ताकत है, वो अपने जिंदगी में पहली बार अपने पूरी स्ट्रेंथ यूज करेगा। फिर राइडन रिलैक्स होकर कहता है, आखिरकार मेरी मसल्स मेरे साथ अच्छे से पेश आ रही है, तो पूरी ताकत के साथ और फील हो रहा है। फिर राइडन शिवा को कहता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, अभी मेरे पास मत भटकना। शिवा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या क्या। फिर राइडन कहता है, शायद अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत यूज करने वाला हूँ। फिर राइडन फुल स्पीड से आकर शिवा को एक जोरदार पंच मारता है। शिवा उस पंच के फोर्स से दूर चला जाता है, पर राइडन उसके पास आकर पंचों की बारिश कर देता है। शिवा उन पंच से बच नहीं पा रहा होता है और राइडन उसे जोरदार अपरकट देकर गिरा देता है। सारे इंडियन गॉड्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। और योकुसन फैमिली का एक बंदा कहता है, आखिरकार मैं अपने आंखों से राइडन की फाइट देख रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, हाँ तुम सही हो, राइडन की पावर अनब्रेडेबल है। फिर पहला आदमी कहता है, कुचल दो राइडन उसे। फिर हम गोल को देखते हैं, वो कहती है, बहुत बढ़िया, हम जीत सकते हैं, आखिरकार इंसानों के पास भी एक लीड हो जाएंगी। और फ्रीजिता कहती है, हे भगवान मुझे आशा है कि वो ठीक हो जाएगा। एरिस कहता है, यह तो बुरा हुआ, वो डगमगा रहा है। तभी हेरमेस कहता है, ऐसा लगता है उसे भारी डैमेज हुआ है। फिर राइडन कहता है, सॉरी दोस्त, अभी ये सब खत्म करना पड़ेगा, और उसे मुक्का मारने जाता है, पर शिवा बीच में अपना सर ला लेता है और राइडन और अपना सर फोड़ देता है। और फिर शिवा अपनी फुल पावर से राइडन के पेट पे फाइट मारता है और फिर अपने दूसरे हाथों से उसके फेस पे फाइट लगाता है, पर राइडन खुद को संभाल लेता है। फिर शिवा राइडन से कहता है, मेरा सिर तुम्हारे सिर से ज्यादा हार्ड है और अब मेरी बारी है। फिर शिवा फुल स्पीड में जाकर राइडन के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है। हर एक पंच कैनन की तरह राइडन को पड़ रहे होते हैं। शिवा एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा होता है। राइडन के साथ ही कहते हैं, रोको उसे राइडन, पर राइडन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता है और शिवा उसे जोरदार पेड़ पे मुक्का मारता है। पर तभी राइडन शिवा का हाथ पकड़ लेता है और अपने आर्म्स की मसल को स्ट्रॉन्ग करके शिवा के हाथों को कुचल देता है। शिवा राइडन के पेट पे
जोरदार लात मारता है और उसे अपने आप से दूर कर लेता है। रैडन कहता है, तुम बहुत बेवकूफ थे, मैं इसे तुरंत ही काट सकता था। गॉड्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। बूम, और फिर कमेंटेटर कहता है, ये अनविलेबल है। गॉड के सबसे बड़े प्लेयर को राइडन ने बर्बाद कर दिया। यह मानव जाति की सबसे ताकतवर मसल्स पावर है। ब्रुवेल्डा कहती है, नेचुरली केवल उसकी मांसपेशी इतनी विनाशकारी नहीं होंगी, हमें वेलकरी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से राइडन अपनी पूरी ताकत को कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरे शब्दों में, उसने अपने मसल्स को इतना ताकत अपने हाथों में भरकर शिवा के हाथ को तुरंत ही कुचल दिया। और फिर राइडन अपने मसल्स को वापस से सही करता है और कहता है, ये बहुत ही बढ़िया था क्योंकि हमें तो पता ही है, थ्रोड जो थर्ड वेल करी थी उसकी पावर अब राइडन के अंदर है। फिर शिवा कहते हैं, ये सारे इंडियन गॉड्स को पता है मैं कुछ अलग हूँ। फिर सारे गॉड चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सारे गॉड में सबसे ताकतवर हो शिवा। फिर शिवा कहते हैं, मैं इन सबको अपने पीछे फील कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो सारे गॉड मेरे साथ कहाँ ना कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर शिवा अपने हाथों को खड़ा करता है। फिर सारे लोग शिवा शिवा चिल्लाने लगते हैं। शिवा कहते हैं, अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ, तो सॉरी दोस्त, क्योंकि मैं अब तुम्हें मसलने वाला हूँ। फिर शिवा अपनी पूरी ताकत से राइडन की ओर बढ़ने लगता है, पर राइडन साइड होकर बच जाता है। एरिस देख के कहता है, ये कैसे अचानक से घूम गया। ज्यूस कहते हैं, शिवा का एक हाथ डैमेज होने की वजह से वो अपना बैलेंस खो रहा है, पर शिवा मिस करने के बाद भी रिटर्न आता है। पर फिर से राइडन उससे बच जाता है और शिवा को जोरदार फाइट मारता है। शिवा भी पीछे जाकर रिटर्न आता है और अपनी फुल पावर से उसपे एक फाइट मारता है, पर राइडन टॉच कर लेता है। राइडन थोड़ा पीछे जाकर वापस आता है और शिवा पर मुक्कों की बारिश कर देता है। शिवा उनसे बच नहीं पाता और अपना दूसरा हाथ निकाल के उसके पेट पे मारता है और मौका देख के अपना सिर उसके सिर पर मारता है। राइडन भी रिटर्न आकर अपना सिर शिवा के सिर पे मारता है। फिर दोनों एक में का सिर पकड़ लेते हैं और बिजली की स्पीड से एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहां की पूरी जमीन हिलने लगती है। सारे लोग ये देख के डरने लगते हैं। फिर शिवा हंसते हुए कहता है, हजारों साल बाद ही मुझे उसकी याद दिला रहा है रुद्रा। और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।